हूँ सुनीति शर्मा। आज हम समोसे बनाएंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, समोसे खाने का मन कर रहा है, सारी दुकानें बंद हैं, तो हम घर में रखे सामान से ही समोसे कैसे बनाएंगे। और आज हम जो समोसे बनाएंगे वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ हमने 500 ग्राम मैदा ली है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, एक छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और इसको मिला करके बीच में हम जगह करेंगे। ये मैंने डालडा घी लिया है, ये मैंने 50 ग्राम डालडा घी लिया है। अगर आप ज्यादा समोसे बना रहे हैं तो क्वांटिटी को आप डबल करते जाएंगे। ये मैंने 50 ग्राम डालडा घी लिया है, 50 ग्राम मैंने ये रिफाइंड लिया है, मतलब हमने आधा किलो मैदा में 100 ग्राम मोयन लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब मोयन को हम अच्छे से मिला लेंगे। मोयन हमारा अच्छे से मिल गया है और इसमें हमने मोयन भी एकदम परफेक्ट डाला है। सादा पानी से इसका हम एक कड़क डो पूड़ी की तरीके से, जैसे पूड़ी का आटा तैयार करते हैं इसी तरीके से आटा इसका हम तैयार कर लेंगे। समोसे का डो हमारा तैयार हो गया है, इसको हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे और अपनी फिलिंग की तैयारी करेंगे। ये हमने 800 ग्राम आलू लिए हैं, 500 ग्राम मैदा में 800 ग्राम से लगभग 1 किलो आलू लग जाते हैं। इसको हम मोटा मोटा हाथों से ही तोड़ लेंगे। ये हमने आलू को बिल्कुल बारीक नहीं किया है, इसको हमने मोटा मोटा तोड़ लिया है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, ये मैंने 2 चम्मच लिया है, और एक छोटा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच इसमें हम सलाद मसाला डालेंगे। ये मार्केट में सलाद मसाले के नाम से मिलता है, इसे आप डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, ये चटपटा भी होता है, तो सलाद मसाला डालेंगे। एक छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, और ये मैंने फ्रोजन वाली मटर के दाने लिए हैं, इनको धो लिया है। आप हरी मटर ले रहे हैं तो उसे उबाल कर लें, इसमें हम हरी मटर के दाने डालेंगे। इन सबको हम मिलाएंगे। हमने सारे मसाले को मिला लिया है, अगर आपसे नहीं मिल पा रहे तो इस तरीके से मिला लें। अब मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड को गर्म करने के लिए रख दिया है, एक छोटा चम्मच उसमें हम साबुत जीरा डालेंगे। ये हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड लिया है, जो आलू में हमने मसाला मिलाया था वो आलू हम इस तेल में डालेंगे और इसे लगभग 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलू को हमने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब आलू को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है और हमारी मैदा भी तैयार है। अब हम इसके समोसे बनाएंगे। मैदा को हम एक सा कर लेंगे। अब हम इसकी एक लोई लेंगे, हमें बहुत पतली लोई नहीं लेनी है, थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। अब हम इसको पूड़ी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे, गोल करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लंबाई में बेलेंगे। ये हमने लंबी शेप में, ओवल शेप में इसे कर लिया है। अब इसके बिल्कुल बराबर के पार्ट करेंगे, बीच में से इसे हम कट कर देंगे। अब इसकी हम एक परत लेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे, ये जो दोनों किनारे थे उसको इस तरीके से बंद करेंगे। पहले हम इस पर पानी लगाएंगे जिससे कि ये आसानी से चिपक जाएगा और तलते समय ये खुलेगा भी नहीं। इसको हम ऐसे कर लेंगे। इसका हमने एक कोन तैयार कर लिया है और जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो आलू इसमें हम भरेंगे। इसको हम एक सा करेंगे और इसके हम किनारों पर पानी लगाएंगे और इसको हम चिपका देंगे और ये हमारे समोसे की शेप बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम और तैयार करेंगे। ये हमने दूसरा समोसा तैयार कर लिया है, तेल भी हमारा गरम हो चुका है, इसे हम गरम तेल में डालेंगे और इसे हम कम गैस पर ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे।
ये हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारे लॉकडाउन में समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी आराम से घर में इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अनुभव हमसे शेयर जरूर।